अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मेरा फिफ्थ व्लॉग है और आपको ये भी पता है कि मैं अपने हर व्लॉग में कहीं ना कहीं गया हूँ अपने खास रिश्तेदारों के घर। सो इस बार भी मैं अपनी पप्पो के घर दे सकते हैं पीछे बैकग्राउंड। यह हमारा घर नहीं है, मेरी पप्पो का घर है। हम इधर आए थे वैसे ही सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी एक कॉलोनी है, ये मछली फार्म का रोड। तो इस साइड में ना कॉलोनी बहुत ज़्यादा है, एक बाय एक कॉलोनी आती रहती है। ये लोग नहीं खुल रहा था उससे तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई का। तो यार ये तो है ये कॉलोनी, क्योंकि अभी है ना ये न्यू है, इसलिए यहाँ पर ना ज़्यादा वो मकान वगैरह नहीं है। और इधर गली अभी बहुत गंदी सी है, क्योंकि यहाँ पे रेता, उधर बजरी वगैरह, इधर भी बजरी पड़ी हुई है। क्योंकि ये मेरी फूफा का घर है, ये अभी मुकम्मल तरह से तैयार नहीं हुआ, अभी न्यू ऊपर है ना पोशन वगैरह बन रहे, कमरे वगैरह बन रहे हैं, तो इसलिए ना अभी गंदा था। अंदर से वो प्यारा है, ये जो सा नीचे वाला पोशन और इसका तय खाना है वो प्यारा है। आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हम ये अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हो हर तरफ टाइल ही टाइल है। और इधर नहीं बनी, क्योंकि ये वाला पोर्शन अभी नया बन रहा है। और बाकी हर तरफ टाइल ही टाइल है, देख सकते हो। ये मेरा भाई है आफ्ताब, ये आया मेरे, ये पहली बार आया मेरे ब्लॉग में। ये सीढ़ी है और ये मेरा डंगर कदम, ये इतना डंगर ये देखो। So, आप देख सकते हो ये एक कमरा, ये अलमारी वगैरह है। और तो आप देख सकते हो ये अलमारी है, मेरा भाई दिखा रहा है। ये इनके है कपड़े, इसकी यार ये मेरे कज़न के ना ड्रेस बहुत प्यारी होती है। और मैं फेड़ा हो गया, ये है मैं हूँ, ये फाउंडेशन मेरी पप्पो का ही है। और आपको दिखाते हैं और कुछ भी। और ये इनका बेड, ये इनका पुराना बेड है, नया अभी आया है। और ये भी अलमारी है। और ये अटैच वॉशरूम यार, इसके अंदर की जो थी पहले बहुत प्यारी है। तो मैं आपको आगे भी शायद चीज़ें दिखाता हूँ। मैंने आपको ये वाला कमरा दिखा दिया। और ये डाइनिंग टेबल, ये भी इसके ऊपर बैठी हुई है। और ये शीशा बिल्कुल कमरे के साथ, तुम लोग बोलते हैं इनकी बातों पर हमने गौर नहीं करना, हमने सिर्फ अपनी बातें करना है। ये शीशा ये ना टिकटॉक वगैरह सब पीछे पड़े, फैमिली टेबल डाइनिंग टेबल नहीं है ये ना शीशा टिकटॉक वगैरह बनाने के लिए। और इसके साथ फिर एक कमरा देख सकते हो, ये है ना बेड, ये नीचे लेटने के लिए है। ये यहाँ पर LCD वगैरह लगाई हुई है, AC, ये इनका न्यू फर्नीचर आया। और ये न्यू गद्दा है, अभी ये जोड़ा तो नहीं हुआ। और आप देख सकते ये भी कमरा, दो कमरे हो गए इसमें। और ये है किचन, आप किचन भी देख सकते हो। ये इनकी फ्रिज है, ये कैबिन वगैरह, ओवन भी दिखाओ ना बेटा ओवन ही इनका बस खुश हो। न्यू मशीनरी है यार, तो मेरी चप्पल उतारो और चप्पल ला दे ये चप्पल जोड़ है मेरा भाई। अब हम जा रहे हैं बेसमेंट में, आप देख सकते हो। यहाँ से बाइट की तरह रास्ता भी जाता है, नीचे से भी जाता हो। और ये है किचन, आप देख सकते हो। ये है बहुत वॉशरूम। और ये भी एक कमरा है, आप देख सकते हो। ये लेस का है, इसलिए वीडियो ठीक नहीं आ रही, मैं लेस खाना, आप लोग भी आके खा लो। ये भी एक कमरा है और ये भी एक कमरा है। और इसके साथ भी एक अटैच वॉशरूम है। ये डाइनिंग टेबल की वो चेयर है, तो ये इन्होंने नीचे रख दिया ताकि ऊपर इतना गंद वगैरह ना पड़े। तो हम जा रहे हैं ऊपर। हेलो, तो हम तो वहाँ से आ गए हैं यार, यहाँ पे छोड़ पौधे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए हम यहाँ उठा तलाबा का सबसे मशहूर होटल अल अजीज़ से आए हैं।
हमारे इधर आए हैं खाना खाने, क्योंकि हमें भूख तो बहुत ज़्यादा लगी, इसलिए हमने सोचा चलो भाई दाल खाना खाया, क्योंकि तो मैं और मेरी बहन फैमिली यानी के साथ आई है, इसलिए दोस्तों वगैरह अपने साथ में नहीं था। यार पता नहीं कि आपको क्या हुआ, सुबह से ये पीछे छोड़ आएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा just bye bye आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड नई लोकेशन में। बाय बाय।